गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे। आप सबको नमस्कार, आदाब, प्रणाम और सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ सुबह सुबह छत पे, तो सूर्य देव के आप दर्शन करें। और मैं कल जो बारिश आई थी उसके बाद का नज़ारा अपने गार्डन का दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, मेरे सारे प्लांट्स धुल गए हैं। जितनी भी शावरिंग करो, कितना भी पानी डालो, कितनी भी मिस्टिंग करो, पर ऐसे मुस्कराते नहीं हैं सारे प्लांट्स। देखो कैसे मुस्कराए हैं। तो आज फूल भी सभी प्लांट्स के ऊपर खिले हैं। ये देखें, पहले मैं 2 मिनट अपने गार्डन का नज़ारा दिखा देती हूँ। कैसे सारे प्लांट नए नए से लग रहे हैं, धुले धुले से लग रहे हैं। ये देखते जाइए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ देखिए। मैं बहुत खुश हूँ, कल जी भर के सुबह बारिश हुई। तो ये बारिश जब आती है ना, इसके आने से पहले भी कुछ काम हमको करने रहते हैं और बाद में भी करने रहते हैं। इसके आने से कल सुबह का वो मैं वीडियो नहीं ला सकी। तो जो जब बारिश शुरू हुई तो मैं छत पे आ गई, जो जो भी करना था मेरे को किया मैंने। जो कोई बाहर मिट्टी वगैरह पड़ी सी उसको अंदर रखा। तो उसके बाद मैंने पानी के लिए बर्तन बाहर रख दिए, ताकि उसमें जो बारिश का पानी है इकट्ठा हो सके। मेरे पास कोई बड़ा टब नहीं है, पहले था वो मैंने गार्डनिंग के लिए यूज़ कर लिया। सो फ्रेंड्स, आगे देखते जाइए। ये मेरा लेमन प्लांट का जो है, लेमन प्लांट है, लेमन ग्रास जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल ही झुलस चुका था। एक ही बारिश में इस पे हरियावल आ गई है, रंगत पड़ने लगा है जी। तो अब ऐसा ही होगा जैसे से ये मेरे तुलसी जी हैं, इसके नीचे ये भी देखें कितनी बढ़िया से हो रखी है। तो आगे आगे चलते हैं। सारे मेरे प्लांट्स जो ये मेरा कटिंग वाला पोर्शन है, इसमें देखो ये कॉक्स फर्न का पौधा है, ओलियस के जैसा नज़र आता है, कितना बढ़िया हो गया है। तो आगे चलते हैं जी। तो मुझे देखिए, मेरे टब में जो कटिंग रखी हुई है वो भी अच्छे से चल रही है। तो ये मेरी ना तोरी की बेल थी और एक घी आती थी, इसका कुछ भी नहीं हुआ, इतनी गर्मी पड़ी, इसको बचा पाना मुश्किल हो गया। फ्रूटिंग तो दूर की बात है। ये मेरे कुछ पॉट्स हैं जिसमें मैं मिट्टी डाल के रखा है। अब मॉनसून में ढेर सारी कटिंग इसमें लगाएंगे। पहले भी फ्रेंड्स मेरे पास 80% जो प्लांट्स हैं कटिंग के हैं। ये मेरा जो पोर्शन है इसको अब मैं थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर दूँगी, ताकि जो इतना ज़्यादा पानी इनको लगा हुआ है इनके नीचे भी खड़ा ना हो। इसको मैं थोड़ा थोड़ा दूर कर दूँगी एकदम। ये देखें मेरा पौधा, इस पे नीचे से न्यू ग्रोथ आ गई। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बारिश के साथ ही आई है। मैंने देखा था इसको बारिश के पहले, बिल्कुल भी मरा पड़ा था ये। अब इसकी न्यू ग्रोथ भी चलने लगी है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये देखें, सारे पौधों में न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। शुरू तो पहले की हुई थी, पर जो वो आती थी तो तेज जो ही। ये देखें मेरा, ये मेरा ना प्लांट है, अभी अभी मैंने रिपोर्ट किया था, इसके ऊपर फ्लावरिंग आई है। ये फर्स्ट फ्लावर आया मेरा डबल चांदनी का, और भी बट आ रही है। तो जो भी न्यू ग्रोथ आती थी ना वो झुलस जाती थी, जो हॉट वेव आती थी, बहुत गर्म लू चलती थी। ये देखिए लैंटाना, इसमें चौथी पाँचवीं बार ये फ्लावरिंग होने लगी है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए मैंने कम दिखाया है। तो आगे आगे चलते हैं। ये सारे प्लांट्स देखे मेरे, तो देखते रहिए मेरे साथ मेरे प्लांट, ये अच्छे से हो रहे हैं। ये रेड लैंटाना है, इसके ऊपर भी फ्लावरिंग आ गई है। ये देखे मेरी कटिंग्स, ये सारी, ये ना मेरा एक जो भी पानी किसी में रुका है उसको निकालना चाहिए। ये एक मग है, उसमें पानी रुका है क्योंकि इसमें ड्रेनेज नहीं है, इसको निकालना रहेगा, नहीं तो ये सड़ जाएगा। इसका पानी मैंने निकाल दिया है, अब नहीं सड़ेगा। तो इसको भी सहारा दे के इसको सीधा करूँगी, क्योंकि सौगी हो गया बहुत ज़्यादा, इसमें ड्रेनेज नहीं है। आगे चलिए जी, मेरा बोनसाई देखे नए नए रेड वाले लीव्स निकाल रहे हैं।
ये मेरे सारे कोचिया है, रोज ही दिखाती हूँ। ये कॉर्नर मेरा फ्रंट गार्डन का है। ये देखे हमारी जो गुलदौदी है अच्छे से हो रही है। अब इनकी प्रूनिंग करूँगी धीरे धीरे। जो प्रून करूँगी उसको भी मैं लगा दूँगी, कहीं भी फेंकने वाली नहीं हूँ। तो ये मेरा ना स्वीट पोटैटो वाइन का है प्लांट, इसमें मिलीबग लगा था, मैंने हटा दिया। मैं हर रोज़ ही देखती हूँ, हाँ एक आधा आता है तो उसको हटाते रहो, फिर ज़्यादा नहीं होता। ये अमरूद का प्लांट है और ये पीपल का पेड़ है। ये देखिए अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अब जो मॉनसून है उसका पानी ही फर्टिलाइज है, हमको कोई भी फर्टिलाइज देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखें हमारे कौन से पौधे में पानी रुक रहा और कौन से पौधे को अच्छे से हवा नहीं मिलती। तो जो मैंने पहले स्टॉक कर रखे थे ना, एक दूसरे में साथ लगा लगा कर, वो उसको अब थोड़ा अलग करना है। ये मेरा प्लांट फूल खिलने वाला है, डबल पेटल वाला जो हिबिस्कस है, ये है लाइट कलर का है, ये भी खिलेगा आज। ये देखे, ये देखे, ये ना एक मेरा देसी पेटूनिया का प्लांट है, इसका भी मौसम भी नहीं है और फिर भी ये देखे अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। इतना बड़ा हो के नीचे आ गया है। ये देखे इतने सुंदर लग रहे हैं ना वाइट फ्लावर। तो अब मैं आ गई हूँ, ये हमारा पुराना प्लांट था, एक टायर प्लांट में था। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, इसमें जो शंख वाले कीड़े हैं वो पैदा हो जाते हैं, इनको भी सफाई करना। ये इसके नीचे टायर के नीचे बोरी लगी थी, इसको मैंने हटा दिया है, इसको सारा उखाड़ दिया, क्योंकि ये पूरी तरह से जुलस चुका था, ये सूख चुका था। इसके प्लांट भी सारे मर चुके थे, इसमें कोई निकलेगा। एक तो चेन प्लांट था इसमें और बाकी टर्टल वाइन थी। पहले तो टर्टल वाइन केली थी और जो चेन प्लांट है, ये इसमें एक अद्धा गिर गया था तो उसने इसको सारा दबा दिया। तो अब जो सूख चुका है इसको मैंने साफ़ कर दिया। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है मानसून में, बहुत सारे ढेर सारे जो कीड़े हैं शंख वाले वो पैदा हो जाते हैं। जो जो उसमें निकले हैं थोड़े थोड़े प्लांट, इसको मैं कहीं लगा दूँगी। और इसको टायर को धूप लगाने के लिए मैंने रख दिया। तो ये जो मिट्टी है इसमें बहुत गीली हो गई, उसको हम धूप लगाने के लिए इसके ऊपर रख दिया है मैंने, ये पॉलीथीन के ऊपर, ताकि बारिश आए इसको ऊपर भी रख सके। इसको सूखने के लिए आज की धूप लगवाएंगे और इसको मैंने रख दिया है। सारी मिट्टी को गला देंगे ताकि इसको अच्छे से धूप लग सके। ये देखे मैंने सारी मिट्टी फैला दी है। इसके ऊपर जो प्लांट निकले थे उसको मैं डस्टबिन में डाल दूंगी। अब जो करना ज़रूरी काम है वो ये है, पौधों का को अलग अलग करना है, थोड़ा थोड़ा दूर कर देना है। पौधों की मल्चिंग है वो भी हटाएंगे, अब एकदम से नहीं हटाऊंगी क्योंकि आज जो तेज धूप पड़ गई तो बहुत मुश्किल होगा। दूसरा काम बारिश के बाद जो हमको करना है, पहले ही करना चाहिए था। पहले पता नहीं था किस गमले में पानी रुकता है किस में नहीं। अब सभी के जो ड्रेनेज होल है हम खोल देंगे। ये देखिए तो मैंने एक ले लिया है, इसका जो इसमें वो करेंगे, इसकी जो ड्रेनेज है उसको खोल देंगे। एक पेज का से मैंने ले लिया है, उसके साथ हमारे सारे ड्रेनेज है जो हमको उसमें काई छोटी छोटी जड़ें लग जाती है, जिससे ड्रेनेज ग्रीन ग्रीन जो होती है काई उससे बंद भी हो सकता है, उसको हमको खोलना है। ये फ्रेंड्स मैंने ना बारिश का पानी इकट्ठा किया है, ये मेरे बड़े वाले पॉट थे पक्षियों के दाने और पानी वाले, इसको मैंने खाली कर दिया था क्योंकि बारिश में पक्षी तो आएंगे नहीं,
इसमें मैंने ये पानी इकट्ठा कर लिया बारिश का। ये मैं हमारे जो बालकोनी में प्लांट है ना उसको दूंगी। ये बाल्टी रखी थी उसमें कम हुआ है पानी, और जो खुले मुँह वाले पॉट होते हैं उसमें ज़्यादा था। इनको भी थोड़ा थोड़ा मैं सरका दूँगी ताकि इनके नीचे जो है हवा लग सके बारिश के बाद। ये देखिए ये मैंने हटा दी है, मल्चिंग इसकी हटा दी है, हटाई थी मैंने, सोचा भी अब धीरे धीरे हटाऊंगी, तो इसमें फिर मैंने डाल दिए। तो ये पॉट छोटा है ना, ये तो बिल्कुल ही सूख जाएगा धूप के संपर्क में आके, तो मैं धीरे धीरे सबकी मल्चिंग हटाऊंगी। तो बड़े पॉट उनकी आज हटा देंगे, थोड़ी थोड़ी गुडाई कर देंगे। ये देखें इसको भी थोड़ा थोड़ा आगे कर देते हैं, बीज कस्सी कर दी है और भूंगी नहीं करी है, आज थोड़ी थोड़ी हवा लग जाएगी। तो ये मेरे जो प्लांट है जिसमें मल्चिंग नहीं है इसकी गुड़ाई हम कर देंगे। वैसे भी रूट बाउंड हो रखा है इसका, अगावा का प्लांट है, मेरा मदर प्लांट है, इसमें ऐसे गुड़ाई कर देंगे ताकि जड़ों को थोड़ी सी धूप मिल सके। ये देखें ये गुड़ाई मैंने इसकी कर दी है, थोड़ी तक से करेंगे। इसके साथ ही मेरा मदर प्लांट है जेड का, इसकी गुडाई नहीं हो पाएगी क्योंकि ये तो पूरी तरह से फैल चुका है, बहुत मोटी मोटी जड़ें हैं, जगह ही नहीं बची इसमें। और ये मेरा मोगरा का प्लांट है, हाल ही में रिपोर्ट किया था, इसकी मल्चिंग हटाएंगे और इसको इसकी गुडाई करेंगे। देखिए इसमें जो घास पतवार है वो भी निकाल दिए मैंने, इसकी मल्चिंग भी हटा दी है क्योंकि बड़ा पॉट है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी देखिए कि सारे सूखे फूल है, जो मैं प्रूनिंग है वो मैं शाम को करती हूँ, शाम को करूँगी ताकि धूप का असर कम हो और जो प्लांट है वो सदमे में ना जाए। कभी भी फ्रेंड्स जो है ना प्रूनिंग एकदम से हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, पहले थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए और फिर हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। अब हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए नहीं तो ये बारिशों में बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे, बहुत जंगल से लगेंगे। तो मैंने इसकी सारी मल्चिंग हटा दी और इसकी गुडाई कर दी। ये देखिए पूरी तरह से ये साफ कर दिया मैंने, पूरी मल्चिंग हटाएंगे और ये बाकी के जो घास पतवार है उसको भी हटाएंगे। से पौधे को ये बारिशों में स्वस्थ रखना है। इसमें ना थोड़े थोड़े जी जी होते हैं जो सिलन में पैदा होते हैं, तो फिर वो घर बना लेंगे वहाँ मल्चिंग में। तो इसको सबको हटा दिया मैंने, ये देखें अच्छे से गुडाई करेंगे ताकि इनको थोड़ी धूप लग सके। ये मैंने फ्रेंड्स करके दिखा दी, तो मैं ऑफ कैमरा बाकी की कर दूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएगा, पहले ही लंबा हो ही गया है तो दिखाते दिखाते। मेरे को इतनी खुशी थी ना कि रेनी सीजन रेन के बाद बारिश के बाद हमारे पौधे कैसे मुस्कुरा रहे हैं, तो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। आगे चलते हैं, पीछे पानी मैंने बाल्टी में रखा था, बाल्टी में कम इकट्ठा होता है क्योंकि एरिया कम होता है, मैं तीनों बाल्टी का पानी एक में कर दिया। ये मेरे बालकोनी में जो प्लांट है जिनको बारिश का पानी नहीं मिला उसको दूंगी, ये अमृत के समान होते हैं पौधों के लिए। ये सब सूखने के लिए मैंने डाल दिया।
फ्रेंड्स वीडियो एंड करेंगे, एक दो मिनट की और वीडियो है, प्लीज़ फ्रेंड्स बिना स्किप किए देख लेना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, मेरे को सपोर्ट करना। तो आप देखिए फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो। अब मैं देख रही थी, बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया वीडियो, तो हो ही गया, तो आप देख लेना प्लीज़। तो ये देखें हमारा ना ये है प्लांट, इसके ऊपर देखो बारिश के बाद कितने सारे फूल आए। इसकी मैंने प्रूनिंग करनी थी ये विंका की, कि मैं इसको ना बोनसाई बनाना चाहती हूँ। नीचे से काफ़ी इसका स्टेम बड़ा हो रखा है, तो इसका ना बहुत ही बढ़िया लगता है लुक। तो ये एक अपने सहारे में खड़ा है, ऊपर से बहुत बड़ा हो गया। इसकी कई बार प्रूनिंग कर दी, इसकी प्रूनिंग भी करूँगी। ये मेरे इमली का पेड़ है और इसके साथ ही नीम का पेड़ भी है। ये पाउच में लगे हुए हैं, इनको भी बड़े पॉट में लगाऊंगी। अब बहुत सारा काम है गार्डन में, बहुत सारे ढेरों प्लांट हैं मेरे, जो पिछली मानसून में मैं कर नहीं पाई थी किसी वजह से। इस बार मैं इन सब की